हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के, एक्सेस के अंदर सब फॉर्म क्यों बनाया जाए और कैसे बनाया जाए और इसका क्या एडवांटेज है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम सब फॉर्म कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे यूज भी करेंगे, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करूंगा। मैं 2007 ही ओपन करता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ही होता है, और ऐसे में अगर मैं 2021 पे काम करूंगा तो शायद आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस आपको दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिफॉल्ट डेटाबेस का नेम विथ एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पर नेम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रहने देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये सिनेरियो आता है, और यहाँ से व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पर, और इसे मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉई टेबल। ठीक है, एम्प्लॉई टी यानी एम्प्लॉई टेबल। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई और अंडरस्कोर लगा देते हैं आईडी। ठीक है, तो ये आईडी हो गया, और यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी को डिफॉल्ट मैंने रख दिया, यानी ऑटो नंबर रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉई करेंगे, एम्प्लॉई। तो ये दो चीजें हो गई यहाँ पर, नेम ऑफ एम्प्लॉई और एम्प्लॉई आईडी हो गई। ठीक है, सैलरी की डिटेल को हम दूसरे टेबल में भरेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, एक तो एम्प्लॉई आईडी और दूसरी नेम ऑफ एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई आईडी तो अपने आप आएगा, नेम ऑफ एम्प्लॉई में डालते हैं राम। ठीक है, फिर यहाँ श्याम, इसी तरीके से आगे भी मनोज, जो भी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं राजीव, सुमित, अमित, राजेश, जो भी यहाँ पे नाम हो वो दे दीजिएगा एम्प्लॉयज के। ठीक है, अब ये दे दिया हमने, अब एक टेबल बन गई। इस टेबल में प्राइमरी की हमने किसे बनाया, एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो कि एक टेबल में एक ही हो सकती है। यहाँ पे देखिए, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की है। ठीक है, कई बार लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या एक टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे आप वो करते क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं वो, यहाँ पर एक और फील्ड नेम, जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया आधार आईडी, आधार। ठीक है, तो एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आएगा, इसे टेक्स्ट रख देता हूँ, और यहाँ भी क्या करते हैं, इसे जो है प्राइमरी की बना देते हैं। तो देखिए ये हट जाएगा, और एक टेक्निक को आजमाते हैं, कंट्रोल दबा करके और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके इन दोनों को प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों प्राइमरी की नहीं हुई, आधार आईडी प्राइमरी की नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से एरर आ रहा है। पहले तो ये एरर आ जाएगा आपके में, ये होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर हो भी गया तो डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउड रहेगी, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी की एक ही होगी और वो एम्प्लॉई आईडी है, हमने एम्प्लॉई आईडी डाल ही दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आधार आईडी रहने देते हैं इसको। ठीक है, आप इसे कंपोजिट की बना सकते हैं आधार आईडी को, ये आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने दो ही रखा है, तो दो ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये टेबल को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाके क्या करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे, और इस टेबल का भी एक नाम देंगे। तो इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉई डिटेल, यानी एम्प्लॉय डी कर देता हूँ। तो एक एम्प्लॉय टी हो गया और एक एम्प्लॉय डी हो गया। यहाँ पर आईडी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इनकी आधार आईडी डाल देता हूँ, आधार अंडरस्कोर आईडी कर देता हूँ, यानी यहाँ पर इनका आधार कार्ड नंबर आएगा, तो इसे दे दूंगा टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप आपको सेम रखना है, ये ध्यान दीजिएगा कि एम्प्लॉय आईडी का फील्ड नेम और डेटा टाइप दोनों सेम रखना है, जो कि आपने पहले वाले टेबल में दिया था। तो ये देखिए एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी था, और यहाँ पे ऑटो नंबर दिया था, तो आप इसमें नंबर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं नंबर डेटा टाइप। ठीक है, ये नंबर कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉई की सैलरी की बात करेंगे कि इनकी सैलरी क्या है। तो सैलरी को हम रखेंगे क्या, यहाँ से रख देंगे करेंसी डेटा टाइप। तो ये करेंसी कर दिया हमने, और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर आप आधार आईडी डालेंगे, तो जो भी इनकी आईडी है आधार वाली वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इनकी आधार आईडी है यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक डमी में आधार आईडी ऐसे करके डाल देता हूँ। ठीक है, ये डमी सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम लिखा मैंने। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे राम लिखा, तो यहाँ पे चूंकि एम्प्लॉय आईडी है ये, तो आईडी में हमने ऑटो नंबर लिया था, तो यहाँ पे वन करेंगे। ठीक है, और पहले तो इस टेबल में आएंगे, इस टेबल को देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी क्या है और फिर एम्प्लॉई नेम क्या है। तो एम्प्लॉई आईडी वन से स्टार्ट हुई है, तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए डमी एक आधार आईडी तो हमने डाल ही दिया था। यहाँ पे सैलरी इनकी आएगी, तो इनकी सैलरी मान लीजिए है 20,000, तो ये 20,000 डाल दिया। इसी तरीके से फिर आधार आईडी आएगी, तो जो भी इनकी आधार आईडी है वो आधार आईडी डाल दीजिएगा आप, और यहाँ पे जो एम्प्लॉई आईडी आएगा वो 2 आएगा। यहाँ पर इनकी सैलरी आएगी, यानी एम्प्लॉई आईडी 2 वाले की सैलरी आएगी।
तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब फिर यहाँ पर आधार आईडी आएगी तो जो इनकी आधार आईडी होगी वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। आधार आईडी यूनिक है लेकिन एम्प्लॉई आईडी इसमें डुप्लीकेट की है, यानी कि फॉरेन की है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे अगला जो स्टाफ होगा उनकी सैलरी की डिटेल आएगी, तो यहाँ पे 16,000 और यहाँ पे फिर आधार आईडी आएगी। तो ये आधार आईडी कोई सही आईडी नहीं है, मैं यहाँ पे डमी डाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही रियल है। तो यहाँ पे 21,000 कर दिया, तो इस तरीके से ये आता चला जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। और बाकी लोगों की भी सैलरी चूंकि 7 लोगों की है तो 7 लोगों की यहाँ पे डिटेल हमें एंटर करनी होगी, तो यहाँ पे डिटेल एंटर कर देते हैं। ये हो गया इस तरीके से, यहाँ पे 5 करते हैं और यहाँ पे इनकी सैलरी आएगी तो 44,000 इनकी सैलरी हो गई। फिर यहाँ पर आएगा अगला आधार आईडी, तो जो भी आधार आईडी है उसको डाल करके फिर आगे बढ़िए यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 35,000 यहाँ पे हमने यहाँ पे हम दे देंगे 35,000, तो ये 6 हो गया और यहाँ कर देंगे 35,000, सैलरी हो जाएगी इनकी 35,000, तो ये हो गया। अब फिर अगला आएगा यहाँ पर, तो जो भी अगला आएगा उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे डाल के क्या करना है आपको, यहाँ आना है बगल में और यहाँ 7 डालना है क्योंकि एम्प्लॉई आईडी वहां पे 7 है। और यहाँ पे क्या करेंगे 60,000, इनकी सैलरी कितनी है 60,000 है, तो यहाँ पे 60,000 डाल दिया। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, दोनों को क्लोज करते हैं, इसको तो ऑलरेडी हमने सेव किया हुआ है, इसको भी सेव करके क्लोज कर देंगे। अब दोनों में रिलेशनशिप हमें क्रिएट करानी होगी, तो रिलेशनशिप के लिए कहाँ जाएंगे, डेटाबेस टूल्स में जाएंगे और यहाँ आपको दिखेगा रिलेशनशिप, तो इस पर क्लिक करिएगा और पहला जो टेबल है एम्प्लॉई टी इसको ले लीजिए, फिर दूसरा जो है एम्प्लॉई डी इसको ले लीजिए, ठीक है। और देखिए दोनों अलग अलग टेबल्स हैं, यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी के सामने एम्प्लॉई आईडी को ले जाके रख दीजिए, ये रख दिया। और इन तीनों पे टिक करना होगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, वन टू मेनी रिलेशनशिप ये क्रिएट हो जाएगा। और अब बारी आती है फॉर्म बनाने की, ठीक है, तो चलिए अब फॉर्म बनाते हैं हम। तो यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम सीधा फॉर्म विजर्ड पे, ठीक है। ये फॉर्म विजर्ड यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, वहां पर आपको जाना है। तो यहाँ से मोर फॉर्म पे गए, फिर यहाँ से फॉर्म विजर्ड पे गए, और फॉर्म विजर्ड पे जाने के बाद इन दोनों ही टेबल्स को आपको लेना है। तो पहले एम्प्लॉई टी लेंगे हम, देखिए ये एम्प्लॉई टी आ रहा है ना, तो ये दोनों ले लिया हमने। अब यहाँ पर एम्प्लॉई डी जो आएगा उसको लेंगे, तो इसमें आधार आईडी हमें चाहिए और सैलरी चाहिए, बाकी तो कॉमन फील्ड है, तो यहाँ ये ले लिया। अब यहाँ पर ओके करिएगा, आप देखिए यहाँ पर ये सब फॉर्म अपने आप आ जाता है। और फायदा यही है कि दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड आपको इसमें दिखेंगे, ठीक है, कैसे दिखेंगे आइए दिखाता हूँ। इसमें मैं एम्प्लॉई टी को ही प्राथमिकता देता हूँ और ये सब फॉर्म बनाएंगे, लिंक फॉर्म हमें नहीं बनाना है। यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट पे, और डेटा शीट फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, कैसे चाहिए डेटा ये आप देख लीजिएगा, जैसा भी चाहिए यहाँ पर जाकर के, और यहां से इसे फिनिश कर दीजिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां पर एम्प्लॉई आईडी, ठीक है, रख दिया, फिर यहां पे एम्प्लॉई नेम ये रख दिया। अब देखिए यहां पर इसको क्लोज करते हैं और वापस से एग्जिस्टिंग फील्ड पे आते हैं, तो एग्जिस्टिंग में आपको एक ही चीज दिखाई दे, सो टेबल्स पे जाएंगे तो यहाँ ये टेबल भी दिखाई देगी, ये देखिए लिंक वाली, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी हम लोग एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम ले चुके हैं, यहाँ पे आधार आईडी आएगा, आधार आईडी आ गया, ठीक है, ये आधार आईडी जो आ रहा है इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ रख दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे सैलरी इनकी रख दीजिए। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये अब इसका भी कलर चेंज कर देते हैं हम, क्या दिक्कत है, तो यहाँ से जाकर के इसका कलर चेंज कर देंगे, तो ये चेंज कर दिया कलर, अब ये कुछ इस फॉर्म में नजर आएगा हमें, ठीक है। यहाँ पर बटन्स भी बना सकते हैं, तो ये बटन पे जाएंगे और यहाँ से इसे ड्रैग करवाएंगे, तो नेक्स्ट का बटन और प्रीवियस का बटन भी आप बना सकते हैं, तो ये फाइंड नेक्स्ट दिया हुआ है या नेक्स्ट रिकॉर्ड दिया हुआ है, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन यहाँ बनाते हैं हम, यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे इसे और यहाँ पर जाकर के और यहाँ से इसे फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड का ये बटन बन गया। अब दूसरा यहाँ से बटन पे जाएंगे फिर वापस और यहाँ से एक और बटन बनाते हैं हम, ये हो गया। और यहाँ से इस बार हम किसका बटन बनाएंगे, तो यहाँ पे सेव रिकॉर्ड या एड न्यू रिकॉर्ड का, एड न्यू रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं, तो यहाँ पे भी इसे हम टेक्स्ट ही रखेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे, तो ये एड न्यू रिकॉर्ड का बटन हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐड रिकॉर्ड का बटन भी हो गया और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का हो गया, प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन यहीं से जाके आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे जाकर के इसको ड्रैग करवा दीजिएगा तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन इसमें आएगा। तो देखिए ये इसमें देख सकते हैं ये प्रीवियस रिकॉर्ड है, और यहाँ से जाइए और यहाँ से टेक्स्ट करिए इसे और नेक्स्ट करिए और यहाँ से फिनिश करिए, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा इस तरीके से किया जा सकता है इसे, तो ये हो गया, ठीक है। अब एक काम और करिए, यहाँ से प्रॉपर्टी शीट पे जाके और यहाँ से फॉर्म के अंदर हमें जाना है, तो यहाँ से फॉर्म आप चूज कर सकते हो, यहाँ पे जाइएगा नीचे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा इसके अंदर, ये देखिए ये फॉर्म है।
और यहां से आप पॉपअप को यस करिएगा, ये जो है ना इसको यस कर देना है, और यस करके बस यहां से व्यू पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके का एक सिनेरियो आपके सामने मौजूद होगा, और यहां पर जब आप आते हैं तो आपको हर एक चीज दिखाई देगी। मतलब इसी फॉर्म के अंदर आपको एम्प्लॉई आईडी भी दिख रहा है, एम्प्लॉई का नेम भी दिख रहा है, आधार आईडी और सैलरी भी दिख रही है, जबकि ये दूसरे वाले वहां की है। तो सब फॉर्म बनाने का ये फायदा है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, और एम्प्लॉई टी नाम से आ रहा है, इसको एफ कर देते हैं, एम्प्लॉई एफ फॉर्म है ये, तो एम्प्लॉई एफ कर देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉई एफ नाम से जो फॉर्म सेव किया है, इसको हम थोड़ा डिजाइन व्यू में लेंगे और थोड़ा सा इसमें सेटिंग करेंगे। ये देखिए, ये छोटा बड़ा जो हो रहा है इसको सेट कर सकते हैं आप, यहां से जाके इसको छोटा कर लीजिए, काम हो गया, ठीक है। अब यहां से ये ओके करिएगा तो ये इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि इसे कैसे बनाना है, ठीक है, और इसका क्या महत्व है। तो सब फॉर्म बनाने का बड़ा फायदा है, ठीक है ना, देख सकते हैं। अब इसमें हम एक रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे, तो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, तो यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से रिपोर्ट विजर्ड पे जाएंगे, रिपोर्ट विजर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से आप जो जो चीजें चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई नेम ले लिया हमने, और यहाँ से एम्प्लॉई डी वाले टेबल से हमें आधार आईडी चाहिए और सैलरी चाहिए, तो ये भी हमने ले लिया, ठीक है। और लेकर के यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको एम्प्लॉई आईडी के बेस पे पूरा डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ क्रिएट पे रहिए, और क्रिएट पे रह के एक क्वेरी बना लीजिए। कहाँ से बनाएंगे क्वेरी, क्वेरी विजर्ड से बनाएंगे। तो ये विजर्ड पे जाएंगे, सिंपल क्वेरी विजर्ड यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, एम्प्लॉई टी, क्योंकि एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई नेम और ये सारे फील्ड चाहिए होंगे आपको, जो जो जरूरत है। तो आधार आईडी और ये सैलरी, ये फील्ड हमें चाहिए होंगे, तो यहाँ पे जाके नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके फिर यहाँ से इसे फिनिश करेंगे, यहाँ पे जाके ये हो गया। तो फिनिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं ये जो क्वेरी हमारी कुछ इस तरीके से आ रही है, और इसे डिजाइन व्यू पे हम लेंगे, और डिजाइन व्यू पे ले करके देखिए, ये जो एम्प्लॉई आईडी आपको दिख रही है, यहाँ पर क्राइटेरिया में आएंगे, और यहाँ हम कहेंगे कि हम फॉर्म के अंदर देखेंगे और कौन सा फॉर्म है हमारा, तो हमारा फॉर्म है एम्प्लॉई एफ, तो एम्प्लॉई एफ कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है वो लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम खोजेंगे एम्प्लॉई आईडी के बेस पर, तो ये एम्प्लॉई और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लेंगे आईडी, तो ये एम्प्लॉई आईडी के बेस पे हम इसे तलाश कर पाएंगे। और यहाँ पर ये हो गया सेव, और सेव करके यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, अब देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्म है। अब इसमें एक हम रिपोर्ट बना लेते हैं, जो रिपोर्ट हम बनाने जा रहे थे उसी को हम बनाएंगे। तो क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से रिपोर्ट विजर्ड पे जाएंगे, और रिपोर्ट विजर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्वेरी मिल जाता है, तो इसी क्वेरी के बेस पे हम तो रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, और यहाँ पर जाकर के और एम्प्लॉई आईडी को हम आगे रखेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जाइए, नेक्स्ट करिए, और यहाँ पे ब्लॉक में चाहिए, आउटलाइन चाहिए, कैसा चाहिए देख करके, और यहाँ से कोई फॉर्मेट चूज करके यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आ जाता है। अब जब ये आ जाएगा तो यहाँ से एड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाकर के आप एम्प्लॉई आईडी वगैरह तमाम चीजें ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया है, अब यहाँ पे इसको रखो, ठीक है। और पहले तो हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ये बड़ा बोरिंग सा बैकग्राउंड है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड कोई लगाते हैं और बेहतर, तो यहाँ से जाकर के मैं ये वाला बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, ये देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, थोड़ा हल्का है और अच्छा भी है। तो ये हो गया, और यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉई, इनकी आधार आईडी आएगी और सैलरी भी आएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग करना होगा आपको, यहाँ से जाके छोटा बड़ा इसको कर लीजिएगा, और ये सेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ से जाकर के और ये हो गया इस तरीके से, और अब क्या करना है, ये सैलरी को इधर लेके आते हैं, ठीक है, ये यहाँ से जाएंगे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। और फिर क्या करना है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, तो व्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉई आईडी 1 खाली डाल देते हैं 1, तो यहाँ पे देखिए केवल एम्प्लॉई आईडी 1 की रिपोर्ट जनरेट होकर आ रही है। अब ये केवल एम्प्लॉई आईडी 1 की रिपोर्ट है, इनको सैलरी क्या दी गई है, इनका नाम क्या है, इनका आधार आईडी क्या है, ठीक है। फिर अगर इस पे जाते हैं आप, तो यहाँ पर तो पहले इसको क्लोज करेंगे जो पुरानी रिपोर्ट है, फिर यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पर अगर 2 दे देते हैं आप, तो एम्प्लॉई आईडी 2 की रिपोर्ट जनरेट होकर आती है आपके सामने, ठीक है। मतलब जो बनी हुई रिपोर्ट है 2 वाली रिपोर्ट आएगी, अगर 3 दे देंगे 4 दे देंगे, तो जैसा देंगे उसके हिसाब से ये रिपोर्ट जनरेट होकर आपके सामने आएगी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि आप इस तरह का सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और सब फॉर्म का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।